आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बलिया में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में सभी एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं। योगी और मोदी इन दोनों के पास परिवार नहीं है, लिहाजा इन्हें परिवार का दर्द भी नहीं पता। दोनों के पास कोई बेटा या बेटी होती तब ये दुख दर्द समझते। लखनऊ के विवेक हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि विवेक के परिवार को 20 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। सीबीआई जांच पर उन्होंने कहा कि जब ये स्पष्ट है कि पुलिस ने गोली मारी है तो जांच की जरूरत नहीं। लगभग 5 लाख रुपया महीना इसकी तनख्वाह थी, मुआवजा तो इसको कम से कम 15-20 करोड़ रुपया मिलना चाहिए परिवार को पालने के लिए। उसकी औरत को प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं तो इससे बड़ी घटना कोई हो ही नहीं सकती। मुख्यमंत्री को आना चाहिए उसके परिवार तक का। आप मानते हैं कि अगर सीबीआई जांच हो तो ये जो मामला एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जांच का कोई मतलब ही नहीं है। किसी जांच का मतलब नहीं, इसमें डायरेक्ट पुलिस ने गोली मारा है, इसमें कौन सी जांच की बात है। सीबीआई जांच तो टालने के लिए हो जाओ जो कि हर बात को कर देते हैं, इसमें जांच की जरूरत नहीं है साहब, गोली मारा है। योगी सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलक ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान सुधर जाए वरना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अहंकार को सुधार ले क्योंकि भारत कभी अहंकारवादी नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान को सुधारने के कई मौके दिए हैं, पाकिस्तान रिश्ता बनाने की बात करके मुकर जाता है, लिहाजा भारत पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत तो पहले ही मतलब अपने उनके भारत के पास कहीं भी अहंकार की गुंजाइश नहीं है। अगर अहंकार है तो वो पाकिस्तान में है, अपनी बात पे करता है मुकरता है, करता है मुकरता है। भारत ने तो बहुत मौके दिए हैं और मैं तो यही कहूँगा कि भारत पाकिस्तान अब भी सुधरने का मौका है उनको, अगर नहीं सुधरेगा तो भारत सुधारने का काम भी जाता है। रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान के मोहल्ले में बिजली विभाग की टीम ने पीएसी और भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते चेकिंग के लिए गई टीम पर इलाके के लोगों ने पथराव कर दिया था जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूटे थे। बिजली विभाग और पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। मऊ सांसद हरिनारायण राजभर ने जिला मुख्यालय से सहायक निबंधन कार्यालय पर औचक निरीक्षण किया। कार्यालय में उनके पहुंचते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में दलाल मौके से भागने लगे। दरअसल रजिस्ट्री की कागजी कार्रवाई पूरी करने के नाम पर 2% कमीशन मांगे जाने की शिकायत सांसद के पास पहुंची थी जिसके बाद उन्होंने विभाग के कार्यालय पर अचानक छापा मार दिया। हरिद्वार से चली किसानों की रैली गाजियाबाद के मोदी नगर पहुंची। किसानों ने नेशनल हाईवे 58 पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर से आए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। 2 अक्टूबर को दिल्ली में किसानों की बड़ी रैली होनी है। किसान रैली के चलते मेरठ से आने जाने वाला रास्ता हापुड़ की तरफ डाइवर्ट किया गया है। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर चलती कार धू-धू कर अचानक जलने लगी। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि कार में सवार किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा, कार सवारों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार बेकाबू रोडवेज बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला बादलपुर थाना क्षेत्र के जीटी रोड के पास का है। बिजनौर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में तैनात चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। चकबंदी अधिकारी अपने दफ्तर की सरकारी गाड़ी से ड्राइवर के साथ आवास विकास कॉलोनी के सुरेंद्र नगर जा रहे थे तभी बदमाशों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। चकबंदी अधिकारी को ड्राइवर गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचा जहां से उन्हें मेरठ रेफर किया गया है। बांदा में औषधि विभाग ने कार्रवाई करते हुए फर्जी मेडिकल स्टोर में छापा मारा। मौके से 30,000 की दवाएं बरामद की गयी जो एक्सपायरी डेट से भी कहीं ज्यादा हो चुकी हैं। इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।